मंटू अपनी आई बाबा के साथ रायपुर नाम के एक गांव में रहता था। मंटू बहुत शैतान था, पूरे दिन उधम करता रहता। वो सारे खेल जिसमें दौड़ भाग करनी पड़े उसको बहुत पसंद थे। वो पेड़ पर फटाफट चढ़ जाता बंदर की तरह। लोगों को लगता कि वो सच में बंदर के गुण लेकर पैदा हुआ है। पेड़ पे चढ़कर वो तेजी से फल तोड़ता, खुद खाता और अपने दोस्तों को भी खिलाता। एक बात तो थी, उसकी दोस्ती बहुत पक्की थी अपने दोस्तों से, खासकर बंसी तो उसका जोड़ीदार था। बंसी तो कपड़ा फैला के पकड़ के रखना नीचे, मैं पके हुए आम फेंकूंगा तो बस कपड़े में दबोच लेना। हाँ भाई, तू फेंकना तो शुरू कर। ये ले, ये आया है काम। वाह, क्या मस्त आम तोड़ा है तूने। और 5-6 फेंक, फिर बैठ के खाएंगे। हाँ रुक तो सही 2 मिनट, बस थोड़ा और ऊपर चढ़ के तोड़ देता हूँ। सही में लोग तुझे बंदर बुलाते हैं, तू कैसे लपक के ऊपर चढ़ जाता है। तू बंदर का दोस्त तो तू भी बंदर। अगले दिन मंटू सुबह देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बंसी का इंतजार करता रहा। वो दोनों दोस्त साथ में ही स्कूल जाते थे और बंसी तो उसको वही खड़ा मिलता रोज। पर आज पता नहीं बंसी को इतनी देर क्यों हो गई। अरे बंसी क्यों नहीं आया होगा, कल तो नहीं बताया उसने कि स्कूल नहीं जाएगा। वो तो ऐसे छुट्टी भी नहीं करता, उसके घर जाकर पता करता हूँ। मंटू बंसी के घर के पास पहुँचता है, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। काका यहाँ क्या हुआ है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। अरे बच्चे तुम घर जाओ, बच्चों का कोई काम नहीं है यहाँ। ये तो अब हद ही कर दी पिशाची ने, हर महीने अमावस की रात को गांव के लोग बकरी या भेड़ या कोई और उसकी पसंद का जानवर जंगल के बाहर बांध आते हैं। हाँ हद है, इस बार हरिराम की बारी थी जानवर बांध के आने की। उसका छोटा बेटा बीमार था, वो शहर गया है एक दिन के लिए डॉक्टर के पास। एक ही दिन की देरी हो गई तो वो पिशाची तो हरिराम के बड़े बेटे को ही उठा के ले गई। ओह क्या बोल रहे हो भाई, देखा क्या किसी ने पिशाची को बच्चे को ले जाते हुए। हाँ ना, वो दिनी चौकीदार जो गांव के बाहर की मिल में पहरेदारी करता है, रात की ड्यूटी करके लौट रहा था, उसने ही देखा। और इससे पहले वो कुछ कर पाता पिशाची तो जंगल की तरफ भाग गई। अब जंगल में पाँव रखने का साहस कौन करेगा, एक तो वो पिशाची, ऊपर से वो जंगली शेर। जंगल के पास वाली गुफा में सुना है कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर शेर पकड़ा नहीं गया अभी तक। हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो, अभी तो हरिराम भी नहीं है, कौन छोके मुठाए। मंटू तो ये सब सुन के बुरी तरह परेशान हो गया। हरिराम काका का ही तो बेटा था उसका जिगरी दोस्त बंसी, अब वो क्या करे। कोई तो गांव वाले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहे, पिशाची से कौन लड़े। क्या करूं मैं, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं क्या करूं बंसी के लिए। क्या मैं खुद जंगल में जाने की कोशिश करूं? मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा रहूंगा, ऊपर से कुछ तो जरूर दिखेगा, मैं क्या बंसी को बचा पाऊंगा। मैं ऐसे तो बंसी को पिशाची के हाथों नहीं छोड़ सकता, वो डायन तो मेरे दोस्त को भी खा जाएगी। नहीं नहीं भगवान, मुझे ही जाना होगा और कुछ करना होगा। मंटू बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत सावधानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद कूद कर आगे बढ़ता गया। पता नहीं शायद शेर अंदर नहीं है, अगर शेर आया तो मैं कोने में छुपकर ये पत्थर हिला दूंगा, फिर बड़ा पत्थर गिर जाएगा और गुफा का मुंह बंद हो जाएगा, और शेर को अंदर कैद कर लूंगा, कम से कम शेर से तो जान बचेगी। जंगल में झोपड़ी, क्या यही पिशाची डायन की होगी। क्या करूं, अंदर जाऊं क्या। तभी उसको नीचे से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। नीचे देखा तो शेर गुफा के अंदर चला गया। ये सब देखकर मंटू को एक तरकीब आती है। मंटू नीचे उतरता है, गुफा से थोड़ी दूर झोपड़ी के पास चलना शुरू करता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है।
मैं कहाँ आ गया हूँ, कोई मदद करो। थोड़ी दूर पे पिसाची उसकी आवाज सुनती है और उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो? सही सुना था गांव वालों से, यही पिसाची डायन होगी। इतने मैले कपड़े, इतने गंदे बाल, गले में तो हड्डियों की माला और देखने में तो कितनी डरावनी है। अरे वाह, आज ही एक लड़का पकड़ा और एक और मिल गया, आज तो भर पेट खाने को मिलेगा। वाह, मजा आ गया, मेरा तो 2 महीने का खाना हो गया। ये गांव वालों ने जानवर भेज भेज के मेरे खाने का स्वाद ही खराब कर दिया था। काकी मैं काकी रास्ता भटक गया हूँ। मंटू रोने की एक्टिंग करता रहता है, उसको समझ नहीं आया कि वो बंसी का पता कैसे लगाए। अरे बेटा रोना बंद करो, चलो पास ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलो कुछ खा लो। कैसी हालत हो गई है बच्चे तुम्हारी? क्या उस कुटिया में बंसी हो सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। हाँ काकी चलो। आओ आओ अंदर आओ, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ। मंटू नजर चुरा के इधर उधर देखता है, उसको कहीं बंसी नहीं दिखा। तभी उसकी नजर चारपाई के नीचे जाती है, उसको एक कोने में एक पैर दिखता है और बंसी का झूठा। वो तुरंत पहचान जाता है, उसको समझ आ जाता है कि पिसाची डायन ने बंसी को चारपाई के नीचे बांध कर रखा हुआ है। शायद वैसे ही वो उसको गांव से बांध कर लाई थी। अब मुझे साहस दिखाना होगा, कोई तो तरकीब लगानी होगी, बंसी को यहाँ से छुड़ा कर लेकर ही जाना है। काकी तुम मुझे यहाँ मिल गई, कितना अच्छा हुआ। मैं तो अपने आई बाबा के साथ जंगल के पास से जा रहा था। थोड़ी देर हम लोग रास्ते में रुके, आई बाबा ने कहा थोड़ा सुस्ता लेते हैं। उनकी आंख लग गई तो मैं और मेरी छोटी बहन एक खरगोश के पीछे पीछे जंगल में कब घुस गए पता ही नहीं चला। जंगल तो कितना घना है, वापस जाने का रास्ता ही नहीं समझ आया। अरे तो तुम्हारी बहन किधर है? मैं उसको एक गुफा के पास बिठा आया था। मैं तो कुछ खाने के लिए ढूंढता ढूंढता आगे निकल आया। अरे तो चलो तुम्हारी बहन को भी लेकर आते हैं। वाह वाह, मजा ही आ गया, एक और बच्चा मिल गया, जल्दी से उसे भी ले आती हूँ, अब तो मजे ही मजे हो गए। बेटा चल, कहाँ है वो गुफा? काकी आओ मेरे साथ, मेरी बहन भी तुमसे मिल लेगी तो उसका डर कम हो जाएगा। तुम तो हमें जंगल के बाहर हमारे आई बाबा से मिला दोगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। आपका बहुत शुक्रिया काकी, आओ मेरे साथ। अरे कहाँ गई मेरी बहन? मिंटी मिंटी ओ मिंटी कहाँ है? काकी कहीं वो गुफा में तो नहीं चली गई अंदर? रुको मैं देख के आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ, यहीं रुकना, हाँ जाना नहीं कहीं। अरे ये कहाँ फंस गई, बचाओ, अंदर शेर है, आ जाएगा मुझे, बचाओ बचाओ। थोड़ी देर में चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है, जैसे शेर ने पिसाची को खा लिया हो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, बंसी को बचाना है। अरे ये तो बहुत बुरी डायन निकली,
मेरे दोस्त को कितनी बुरी तरह से बांधा है। दोस्त, तू कैसे आया यहाँ? तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? वो बहुत खतरनाक डायन है, मुझे बोल रही थी कि आज रात को खा जाएगी। दोस्त, वो तो खुद शेर का भोजन बन गई, हम अब सेफ है एकदम। चल घर चलते हैं, तेरी आई तो रो रो कर बेहाल हो रखी है। तू सच्चा दोस्त निकला मंटू, अपनी जान पे खेल कर मुझे बचा लिया। तेरी बहादुरी देख के तो मैं दंग हो गया। सच में तेरी दोस्ती ने मुझे कितनी ताकत दी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।